CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 के छात्रों के लिए कार्यक्रम मेमने की कहानी भाग 1। आलेख सुधा गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बताया ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं और क्या करता हूं। तो सुनो बच्चों, मेरा नाम है चुनमुन मेमना। मेमना जानते हो किसे कहते हैं? अगर तुम नहीं जानते तो मेरी पहेली बुझो। देखो, ठीक से सोचकर बताना। चार टांग रंग काला सफेद, चार टांग रंग काला सफेद, हरी हरी पत्तियों से भर लो पेट, हरी हरी पत्तियों से भर लो पेट, माँ को पुकारू मैं। आया समझ में? हाँ, मैं बकरी का बच्चा हूँ और बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। मेरा नाम है चुनमुन, इसीलिए तो लोग मुझे चुनमुन मेमना कहते हैं। मैं करोड़ीमल सेठ की हवेली में रहता हूँ। अरे, करोड़ीमल सेठ ने हमें दूध के लिए पाला है ना? सेठ हमें बहुत अच्छी तरह रखता है। अच्छा अच्छा चारा यानी हरी हरी पत्तियां हमें खाने को मिलती हैं। भाई, सेठ जी ने हमें रहने के लिए एक अच्छा सा घर भी दिया है। पहले हम झोपड़ी में रहते थे, लेकिन अब हमारे लिए सेठ जी ने एक कमरा बनवा दिया है। उसमें हवा के लिए खिड़की है, अंदर जाने के लिए दरवाजा है, पत्थर की बनी छत है। भाई, बहुत ही सुंदर और साफ कमरा है। भाई, सेठ जी का मकान तो बहुत बड़ा है, खूब बड़े बड़े कमरे हैं, ऊंची ऊंची छतें हैं, पत्थर की खूब चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं और बड़े बड़े दरवाजे हैं। लोग करोड़ी सेठ के इस मकान को हवेली कहते हैं। कुछ लोग उसे सेठ की कोठी भी कहते हैं। कोठी के अंदर सेठ करोड़ीमल
कोठी के अंदर सेठ करोड़ी मल बैठ कचौड़ी खाए, हाँ बैठ कचौड़ी खाए। बैठ कचौड़ी खाए मिर्च लगी हा, झट पानी मंगवाए झट पानी मंगवाए, सेठ करोड़ी मल सेठ करोड़ी मल सेठ करोड़ी मल। मेरी माँ बता रही थी कि सेठ जी का मकान यानी कोठी 70-80 साल पुरानी है। सोचो तो कितना होता है 70-80। 70-80 साल पहले की है ये कोठी। तब की जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तुम्हारी माँ भी पैदा नहीं हुई थी, और तो और तुम्हारी माँ की माँ यानी तुम्हारी नानी भी पैदा नहीं हुई होगी। हवेली अभी तक ज्यों की त्यों है, कहीं भी टूटी फूटी नहीं है। मेरी माँ बता रही थी कि पहले जमाने में सेठ लोग बहुत बड़े बड़े पक्के और मजबूत मकान बनवाते थे। ऊंची ऊंची दीवारें होती थी जिससे कोई मकान में आसानी से ना घुस सके। आजकल बंगले बहुत बड़े बड़े तो नहीं होते, पर होते बहुत खूबसूरत है। बंगले वाले बाबूजी की बीवी, हाँ बीवी, बीवी बाहर बैठी हरी घास पर टांग पसारे, हरी घास पर टांग पसारे उनकी, हाँ उनकी, उनकी बिल्ली लेटी म्याऊं, उनकी बिल्ली लेटी म्याऊं। बच्चों, मुझे तो ऐसा लग रहा है सेठ ने अपनी हवेली के सामने मेरे लिए एक बंगला बनवा दिया है, छोटा सा हवादार कमरा, उसके आगे हरी धूप का मैदान। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ईंट, ईंट पर ईंट, आहा ईंट, ईंट पर ईंट, और ईंट पर गारा छोटा पक्का प्यारा सा बना मकान हमारा। आओ हाँ आओ, आओ भेड़िए राम मुझको खाने आओ, इन पक्की दीवारों से ताकत तो हाँ ताकत तो। ईंट पर ईंट, आहा ईंट, ईंट पर ईंट, तुम लोग सोच रहे होगे कि घर मकान कोठी और बंगले की बात करते करते ये भेड़िया बीच में कहां से आ गया। भाई बड़ा खतरनाक जानवर है ये भेड़िया, उसके बड़े बड़े नाखून और पैने दांत होते हैं, पता नहीं कब आकर गर्दन दबोच ले। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बच्चों, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि जानवर जंगल में रहते हैं, कहीं किसी झाड़ी में या किसी गुफा में ही उन जानवरों का घर होता है। मेरी माँ बता रही थी कि बहुत सालों पहले हम लोग जंगल में रहा करते थे, लेकिन जब इस भेड़िये ने उधम मचाया
तो सीधे साधे जानवरों का जंगल में रहना मुश्किल हो गया। डर के मारे हमने जंगल ही छोड़ दिया और आसपास के गांवों में आकर बस गए, यानी गांव में ही रहने लगे। गांव के लोग हमें पालने लगे, हमारे रहने के लिए जगह भी बना दी। वे लोग कहीं बाड़े में, कहीं झोपड़ियों में हमें रखने लगे, क्योंकि आंधी, वर्षा, धूप और ठंड से बचने के लिए कोई घर भी तो चाहिए ना। अरे भाई, तुम सब भी तो घर में रहते हो। लोग अलग-अलग तरह के मकान बनाना पसंद करते हैं। कोई कोठी में रहता है, तो कोई बंगले में, कोई महल में, तो कोई हवेली में। तुम लोगों ने अपने गांव में पुरानी हवेलियां तो देखी ही होंगी। देखी है हवेलियां? हरी राम की हरी हवेली, हरी राम की हरी हवेली, कमरे ऊपर कमरा, हाँ कमरे ऊपर कमरा, हुक्का बोले हुक्का बोले, उसका जमा हुआ है सिक्का, उसका जमा हुआ है सिक्का। और बच्चों, अब मैं चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। देर हो जाएगी तो उसे फिक्र हो जाएगी और वो मुझे ढूंढने भी निकल पड़ेगी, और अगर कहीं वो खूंटे से बंधी होगी तब तो ढूंढने भी नहीं आ सकेगी। कल मैं फिर आऊंगा और अपनी माँ को बता कर आऊंगा। और पता है कल क्या सुनाऊंगा? भेड़िये की कहानी सुनाऊंगा। अच्छा बच्चों, राम राम। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।